कल मैच था कोलकाता और मुंबई के बीच। इस मैच में ऋतिक सोकने और नीतीश राणा के बीच जो कुछ हुआ वो तो सब आपको पता ही है, और इस इंसिडेंट ने ओल्ड आईपीएल का एहसास करा दिया। इस मैच से पहले विराट कोहली और अब ऋतिक सोकने और नीतीश राणा, तो ये सभी के सभी प्लेयर्स दिल्ली से। जब दिल्ली के प्लेयर्स अपोनेंट टीम में हो तो ये तो होना ही था। केकेआर ने कल 185 का टारगेट दिया, जिसमें से 104 तो सिर्फ वेंकटेश अय्यर के थे। बाकी पूरी की पूरी टीम तो सिर्फ 81 रन ही बना सकी, ना रसल चला और ना ही लॉर्ड रिंकू। कल के मैच में मुंबई इंडियंस एक चैंपियन टीम की तरह खेली, जो कि वह है। इस मैच में आखिरकार अर्जुन तेंदुलकर का भी डेब्यू हो ही गया, लेकिन वह कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया। बात तो सही है। पिछले 4-5 सीजन से अर्जुन तेंदुलकर को सिर्फ नेट्स में बॉलिंग कराने और बेंच पर बिठाने के लिए रखा था। हाय हाय, इतना सुकून। कल के मैच में मुंबई इंडियंस ने जर्सी बदली, कप्तान बदला और अपने खेलने का अंदाज भी।